हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट हमें। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेडिकल रिकॉर्ड, या जिसे हम ऑपरेटिंग रिकॉर्ड भी कहते हैं। तो जो क्लिनिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, यानी कि मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, इनमें से आपको इंक्लूड द एडमिटिंग डायग्नोसिस, जब आपने पेशेंट को एडमिट किया तो क्या डायग्नोसिस था उस टाइम, वो आपने मतलब रिकॉर्ड करके रखना है। पेशेंट में क्या कंप्लेंट थी, वो उसकी क्या बीमारी थी, ठीक है, वो आपने रिकॉर्ड करके रखना है। कंप्लीट हिस्ट्री एंड फिज़िकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स, सारी हिस्ट्री और जो भी फिज़िकल एग्जामिनेशन जब उसको उस पेशेंट का किया गया, वहाँ पे क्या फाइंडिंग्स मिली, वो सारा आपने रिकॉर्ड करके रखना है। द रिज़ल्ट ऑफ लेबॉरेटरी एग्जामिनेशन, जो भी टेस्ट्स होते हैं लैब में, वो उनका सभी का रिकॉर्ड रखना है। एंड द फिजिशियन एंड नर्स केयर प्लान, जो भी आप फिजिशियन जो भी उसको केयर देता है या नर्सिंग केयरिंग जो भी मिलती है, वो सारा आपने रिकॉर्ड करके रखना है। रिकॉर्ड शुड स्टेट द थेरेपी यूज्ड, आप उस रिकॉर्ड में आपने कौन सी दवाई दी, कौन सी थेरेपी यूज्ड की, इंक्लूडिंग उसमें से क्या अगर सर्जरी किसी के पेशेंट को आई है, सर्जिकल प्रोसीजर, वो आपने रिकॉर्ड करके रखना है। इंक्लूडिंग प्रोग्रेस नोट्स, यानी कि प्रोग्रेस नोट्स मतलब कि जब सर्जरी हुई या मतलब पेशेंट बीमार था उसमें क्या चेंजेस आए, ठीक है, ठीक होने की, ठीक कंटिन्यूसली हो रहा है कि वो ज़्यादा बीमारी हो रही होता जा रहा है, तो वही होता है का आपका प्रोग्रेस नोट्स, वो भी आपने लिख के रखना है रिकॉर्ड्स में। कंसुलेशन रिमार्क्स, क्या क्या कंसुलेशन किए हैं डॉक्टर ने, वो आपने लिखना है। पेशेंट की कंडीशन, डिस्चार्ज, या पेशेंट को मतलब डिस्चार्ज किया गया, वो सारी रिकॉर्ड्स आपने रखने हैं। ऑब्जर्वेशन इन केस ऑफ डेथ, क्या ऑब्जर्वेशन आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया जब उस पेशेंट की डेथ हुई, वो सारी चीज़ें आपने रिकॉर्ड करके रखनी है। ए समरी ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन, जब पेशेंट हॉस्पिटल में था उसकी थोड़ी सी समराइज करके आपने रिकॉर्ड करके रखना है। एक्सपीरियंस शुड बी कम्प्लीट, द रिकॉर्ड्स आर साइनड इन राइटिंग, या तो आप उसको मतलब खुद राइटिंग करके लिखोगे और उस पर साइन करोगे, या इलेक्ट्रॉनिकली मतलब कि इलेक्ट्रॉनिकली बाय अ फिजिशियन एंड नर्स अटेंडिंग द पेशेंट, या इलेक्ट्रॉनिकली फिजिशियन या नर्स उसको अटेंड करेगा पेशेंट को, ठीक है, यानी कि रिकॉर्ड रख सकता है। अच्छा, द एनेस्थीसिया रिकॉर्ड कंप्लीटेड, जब एनेस्थीसिया एक पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है, वो कंप्लीट तभी होता है जब सर्जिकल प्रोसीजर ख़त्म होता है, यानी कि सर्जरी से पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, वो रिकॉर्ड तो उसी टाइम ख़त्म हो गया सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान, बाय एन एनेस्थीसिया प्रोवाइडर। Also become part of patient's record, और ये anesthesia record भी patient record बन जाता है। The circulator should document pretended remark regarding the care rendered in the OT। ये बोल रहा है कि जो circulator यानी कि ये जो वहाँ पर nurse होगी, वो उसको लिखना है, document लिख करना है कि जो उसको care दी गई OT में, ठीक है, वो उसको डॉक्यूमेंट करना है जो केयर दी गई थी ओटी में, एंड द पेशेंट्स रिस्पांस, और पेशेंट का फिर क्या रिस्पांस था ऑन द नर्सेस के नोट्स पे या शीट्स पे जो उसने प्रोग्रेस नोट्स बनाए थे। डॉक्यूमेंटेशन इज अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल प्रोफेशनल टीम मेंबर्स हु इम्प्लीमेंटेड डायरेक्ट पेशेंट केयर। ये बोल रहा है कि जो डॉक्यूमेंटेशन है, यानी कि डॉक्यूमेंट बनाना, मेडिकल रिकॉर्ड रखना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑल प्रोफेशनल टीम मेंबर, जो भी टीम के प्रोफेशनल होते हैं ना, उन मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हु इम्प्लीमेंट डायरेक्ट, जो डायरेक्ट पेशेंट केयर प्लान में इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन सारी प्रोफेशनल टीम मेंबर्स के लिए जो डायरेक्ट होते हैं पेशेंट केयर प्लान में। नोट्स अबाउट द सर्जिकल प्रोसीजर, जो नोट्स लिखे जाते हैं सर्जिकल प्रोसीजर के रिगार्डिंग, शुड बी डेडिकेटेड प्रमोटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीजर एंड इन कॉर्पोरेटेड इनटू द रिकॉर्ड ऑफ ईच सर्जिकल पेशेंट। यह बोल रहा है कि जो सर्जिकल नोट्स आप लिखते हैं, वो रिकॉर्ड आपने किसके साथ रखने हैं, मतलब ईच सर्जिकल पेशेंट के साथ ही रखने हैं, सर्जिकल पेशेंट के साथ सर्जिकल रिकॉर्ड्स। डिटेल्स ऑफ द प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव, सारे डिटेल्स जो प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव डायग्नोसिस हुआ था, एंड द सर्जिकल प्रोसीजर, जो सर्जिकल प्रोसीजर किया गया, इट्सेल्फ मे हैव मेडिकल एंड लीगल सिग्निफिकेंस। ये बोल रहा है जो डिटेल्स
हम लिखते हैं प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव डायग्नोसिस या सर्जिकल प्रोसीजर जो हमने किया वो मेडिकल और लीगल सिग्निफिकेंस रखता है, मेडिकली भी और लीगली भी सिग्निफिकेंस रखता है। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द सर्जनस डेडिकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द पेशेंट्स चार्ट, आफ्टर ये बोल रहा है कि जो सर्जन के डेडिकेशन और आपने मेंटेन रखा था पेशेंट का चार्ट आफ्टर जब पेशेंट को डिस्चार्ज दी गई यानी कि वो हॉस्पिटल से उसको डिस्चार्ज मिली फ्रॉम द हॉस्पिटल और रिस्पॉन्सिबल ऑफ ईच मेडिकल डिपार्टमेंट, डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। ये मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं कि वो पेशेंट का मतलब मेंटेनेंस, वो पेशेंट चार्ट रखें और जो सर्जन की डेडिकेशन थी उसको मेंटेन रखने के लिए ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फिर मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट की। जब पेशेंट की डिस्चार्ज हो हॉस्पिटल से तब ये मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा बॉडी मैकेनिक्स।